आज संविधान के अंदर सारी चीजें बदल दी जा रही है, हमारे हक अधिकार बदल दिए जा रहे हैं, हमारे नौजवानों की हत्या कराई जा रही है। जो बीडीसी बनना चाहते हैं, जो प्रधान बनना चाहते हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, जो सांसद बनना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं, वो सभी हत्या के कगार पे आज देश के अंदर है। अभी तो लाखों लोगों का हत्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा और अमित शाह के नेतृत्व में योगी के संरक्षण में ये पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आपने सुना होगा झांसी में पुष्पेंद्र यादव की एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है, ऐसा घर वालों का आरोप है। कल अखिलेश यादव भी झांसी में गए थे और आज जंतर मंतर पर लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। लगातार योगी के जितने भी एनकाउंटर के जो आदेश हैं, कई बार सवाल उठे हैं और कटघरे में खड़े हुए हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। आप समझ सकते हैं, अगर देश में एनकाउंटर को लेकर सवाल उठते हैं तो सोच सकते हैं कि पुलिस का या सरकारों का क्या रवैया रहता। सर, क्या नाम है आपका आज? मैं अखिल भारतीय वंशी महासभा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आर एस यादव। आज हम सभी लोग एक शांति प्रिय कंडील मार्च के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे हम सभी लोग आए हुए हैं और हम योगी सरकार के इस पूरी सरकार के अंदर देख रहे हैं कि जिस तरीके से यादवों को, दलितों को, मुसलमानों को एक टारगेट बनाने का काम कर रही है, जाति के हिसाब से जो हमारे निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है, जिन्हें अपराधी साबित कर रही है, ये पहले भी नाकाम रही है। चाहे वो फर्जी इनकाउंटर नोएडा का जितेंद्र यादव का हो, चाहे वो आज पुष्पेंद्र यादव के साथ हुआ, इस तरीके से जो भी युवा आगे बढ़ रहे हैं जिस क्षेत्र के अंदर, चाहे विधानसभा लोकसभा के अंदर, योगी सरकार अपने प्रशासन को खुली छूट दे रखा है। कभी इनको फर्जी इनकाउंटर कराती है, कभी गुंडों से इनकी हत्या कराती है, यह बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है। पूरे देश के अंदर यह सभी को इस बात का पता चल गया है कि यह जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। आज यदुवंशी महासभा आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती है पूरे भारतवर्ष को, हम लोग बेगुनाह है, बेकसूर है और कोई भी इस तरीके से आरोप नहीं है, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ना उन पे कोई इस तरीके संगीन आरोप है जिसकी वजह से पुष्पेंद्र यादव को फर्जी इनकाउंटर किया गया। सर, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि पुष्पेंद्र की रंजिश रही है जो वहाँ के SHO हैं, क्या कुछ ऐसा मामला भी सामने आ रहा है? पुष्पेंद्र यादव की पत्नी का बयान आप सभी ने सुना, देशवासियों ने, पैसों का लेन देन के लेकर के दरोगा ने जो पैसे मांग रहा था, 50,000 रुपए दिए गए थे, बाकी पैसे की डिमांड कर रहा था, उनके पास नहीं थे, उन्होंने मना किया किसी बात को लेकर के, उस पैसों को लेकर के जब उन्होंने पैसे अपने वापस मांगे, इस बात को लेकर के इनका एनकाउंटर किया गया। पैसे किस लिए मांगे जा रहे, क्या डील हुई थी, मतलब क्या जा रहा? ये तो अब पुष्पेंद्र जी होते तो बात पता चलती, वो बात क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन पैसों के रिश्वतखोरी को लेकर के ये दरोगा ने जो भी किया है, ये खुलेआम सारा को साबित हो गया है। जो दिखा रहा है, एक मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में ना उसकी गाड़ी पे कोई खरोच आई है, इस तरीके से कोई भी बात नहीं है। जो कह रहा है कि उसका भाई जो है साथ में था, उसका भाई उस टाइम दिल्ली के अंदर था, मेट्रो के अंदर था, वो भी एक जवान है, उसके पास 7-6 सबूत है, किसी प्रकार का कोई इनके पास प्रूफ नहीं है कि पुष्पेंद्र एक अपराधी था। इसका इनकाउंटर करने के लिए सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अनुमति मिली थी कि इसका इनकाउंटर किया जाए। सर, लगातार यादवों को निशाना बनाया जा रहा है जब से अखिलेश जी की सरकार गई है, क्या वजह लग रही है, रंजिश निकाले जा रही है पूरी, या फिर क्या ये पूरा, ये भारतीय जनता पार्टी का 40-50 यादवों का एनकाउंटर हो चुके हैं सर, उससे ज्यादा हुए हैं। हम यादव समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं आपको पूरे आंकड़े बताना चाहता हूँ। ये आंकड़े योगी सरकार के अंदर 300 से ज्यादा पूर्वांचल के अंदर यादव की हत्या हो चुकी है, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गुंडों द्वारा हो, चाहे वो प्रशासन द्वारा हो, यह मिली भगत करके ये काम हो रहा है। लेकिन मैं आज के चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये बताना चाहता हूँ, यदुवंश ना कभी डरा है ना डरेगा, एक एक खून का बदला यदुवंशी महासभा लेगी। पुलिस चाहे मारे में भाई यार करे, टाडा मकोका का गंगेस्टर लगाए, एक एक हत्या का, एक एक बूंद का खून का हिसाब यदुवंशी महासभा लेगी।
शासनगर हमारा हमारी नहीं सुनता है। न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, मीडिया भ्रष्ट हो चुकी है, बड़े चैनल हमारी खबरें दिखाना बंद कर दिए है। तो हम जानते हैं कैसे हमारी बात सुनी जाएगी और हम रोड पे आके घरों में घुस कर हिसाब लेना जानते हैं। सर आपने मीडिया की बात करी है, अगर तिवारी का लखनऊ में एनकाउंटर होता तो पूरे देश में हल्ला मच जाता, लेकिन अगर पुष्पेंद्र का एनकाउंटर होता तो एक छोटी सी खबर बनकर आ जाती। वो सब जातिवाद है, आप सभी लोगों के बात पता है कि किस तरीके से पुष्पेंद्र की आवाज केवल यादव समाज उठा रहा है। पुष्पेंद्र की आवाज न दलित उठा रहा, न पिछड़ा उठा रहा, पुष्पेंद्र की आवाज यादव नेता उठा रहा, यादव संगठन उठा रहा। यह हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। हम सभी को एक होना चाहिए और इन गुंडे माफियों को जवाब देने के लिए रोड पर निकलना चाहिए। और जल्द ही अगर योगी सरकार दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, इनके खिलाफ हम रोड पे उतर करके लखनऊ जाम करने का काम करेंगे। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये हमारा कैंडल मार्च आज शुरू हुआ है। हम कल झांसी जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और हम पूरे भारतवर्ष के अंदर देश के 26 करोड़ यादव रोड पे आकर तानाशाह मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ और योगी के खिलाफ हम सड़कों पर उतर करके खून का बदला खून हम अपना हिसाब चुकाने के लिए आएंगे। मेरा आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको अब दलित ओबीसी एक साथ होने का समय आ गया है? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, तमाम दलित संगठन, पिछड़े संगठन अलग अलग जो दिशाओं में काम कर रहे हैं, चाहे वो भीम आर्मी हो या पिछड़े समाज के संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो या यादव के अलग अलग संगठन है, इनको एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में आकर के इन तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। आज संविधान के अंदर सारी चीजें बदल दी जा रही है, हमारे हक अधिकार बदल दिए जा रहे हैं, हमारे नौजवानों की हत्या कराई जा रही है। जो बीडीसी बनना चाहते हैं, जो प्रधान बनना चाहते हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, जो सांसद बनना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं, वह सभी हत्या के कगार पे आज देश के अंदर है। अभी तो लाखों लोगों का हत्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा और अमित शाह के नेतृत्व में योगी के संरक्षण में यह पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। यह हत्या, यह मिली भगत है, जबकि अधमन समाज देश के लिए हर वक्त मरता रहा है और समाज के लिए भी इस देश के अंदर मरेगा और शहादत देने के लिए हम लोग तैयार है। ठीक है, धन्यवाद।